चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो बोलो कि किसी को भी डेटा इंटरप्रिटेशन में कोई भी डाउट है क्या? जो भी हम लोग किए हैं लास्ट 3 क्लासेस में, मैं मैम, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ऐसा कोई तो और एग्जांपल है क्या? देखा वेन डायग्राम जैसा। ठीक है, आई सर्च फॉर इट एंड आई विल सेंड इट। 2-3 क्वेश्चंस वैसे आई फाइंड आउट, मतलब यू वांट समथिंग जिसमें वैसी ब्रेन एक्सरसाइज हो एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, फाइन, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि यू ऑल वांट टू डू सच सम्स, इवन दो आई सेड कि ऐसा सम एग्जाम में आना इज वेरी अनलाइकली, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि क्योंकि आप जितना डिफिकल्ट चीज ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू डू द इजी स्टफ। चलो, और किसी को कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन? नहीं? ठीक है, तो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद स्टेटिस्टिक्स। जो स्टेटिस्टिक्स ए सेट में है, अ लॉट ऑफ इट इज समथिंग जो 11th 12th में जो मैथ्स में स्टैट्स भी पढ़ा है, अ लॉट ऑफ इट इज सिमिलर टू इट, बट ऐसा बहुत कुछ न्यू भी है जो हम लोग आगे जाके एक्चुअलीज में CS1 करके जो पेपर है उसका काफी सारा सिलेबस का पार्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए सेट। इसीलिए बोलते हैं कि ए सेट में स्टेटिस्टिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करना इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बार आपको इसका कॉन्सेप्ट हो जाए देन यू फाइंड CS1 वेरी वेरी इजी, बिकॉज योर बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आज हम लोग बहुत बेसिक स्टेटिस्टिक्स करेंगे, वी विल जस्ट गो थ्रू अ फ्यू स्टेटिस्टिकल डायग्राम्स एंड वेज ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। तो सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी टेबल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टेबल, टुडे आई कांट आस्क यू गाइस दैट आल्सो क्योंकि बहुत ज्यादा कंबरसम हो जाएगा इफ यू ऑल कीप राइटिंग इन द चैट बॉक्स एंड आई हैव टू कीप रीडिंग इट। तो फ्रीक्वेंसी टेबल इज बेसिकली, अगर हम लोग के पास कोई डेटा है, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में सबका ए सेट का मार्क्स, इट कैन रेंज फ्रॉम एनी वेयर बिटवीन 0 to 100, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो नाउ वी वॉन्ट टू सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। वी कैन से कि 0 कितने लोगों को मिला, 1 कितने लोगों को मिला, ऐसे कर करके 100 तक कितने लोगों को मिला, करेक्ट? तो ये क्या है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंग्लिश टर्म्स फ्रीक्वेंसी इज कि किस स्पीड से कोई चीज हो रहा है, करेक्ट? जैसे जब हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में, जब हम लोग पढ़ते थे तो जब पेंडुलम होता था, पेंडुलम स्विंग करता था, तो उसका फ्रीक्वेंसी निकालते थे, तो वो कितना फ्रीक्वेंटली वो ऑसिलेट कर रहा है हम लोग उसको बोलते थे। स्टेटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी इज कि ये जो होता है, जो हम लोग का यहाँ पे मार्क्स है 0, 1, ... 100 तक, दिस इज आर इवेंट, ये इवेंट कितना फ्रीक्वेंटली अकर कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं उस इवेंट का फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टेक अ सिंपलर एग्जाम्पल कि सपोज सिर्फ 0 से 10 में मार्किंग हो सकते हैं, जैसे हम लोग का कॉलेज में CGPA होता है या SGPA होता है, वो सिर्फ 0 से 10 हो सकते हैं। लेट्स से 0, आई डोंट वांट टू बी बैड, किसी को भी नहीं मिला, 1 से 2 जन को मिला, 2 फॉर एग्जाम्पल 3 जन को, ऐसे कर करके 10 मिला 5 जन को। एंड लेट्स से हम लोग के टोटल ग्रुप में देयर आर 20 स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये सम, इन सबका सम मिलके 20 होना होगा? बिकॉज इन आर इंटायर ग्रुप एवरी पर्सन मस्ट हैव गॉट सम मार्क्स, या तो वो 0 मिला हो, या तो वो 10 मिला हो, या बीच में कोई भी मार्क्स मिला हो, तो इसीलिए इन सबका सम को, इन मतलब इन सबका टोटल इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 20। अब यहां तक तो ठीक है, पर
फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल होता जहाँ पे 100 मार्क्स तक हो सकता है, तो इट विल बी वेरी टायरिंग अगर हम लोग हर एक सिंगल मार्क के लिए वी सी कि कितने जन को 0 मिला, कितने जन को 1 मिला. तो इवन दो वी आर मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी टेबल, इट विल बी वेरी टायरिंग टू लुक एट इट, क्योंकि उसमें से 100 लाइन्स होगा. किसी का देख के माथा चकरा जाएगा कि इतना सारा डेटा को हम लोग क्या करें, जबकि डेटा में कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल. ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या करते हैं, वी मेक क्लासेस और ग्रुप्स. तो इस डेटा में वी कैन सी कि 0 से 10 के बीच में किसको मिला, 10 से 20, 20 से 30. सो जो हम लोग का पूरा डेटा है वी विल बी मेकिंग इट मोर कंसाइज, बिकॉज जहां हम लोग के पास 100 इवेंट्स था, 100 इवेंट्स का लिस्ट था, वी आर getting it down to just 10 events because we are making groups of class width 10. What did I use? Class width. Very important. Class width kya hota hai? Ki ek group mein kitna number of events ko hum log accumulate kar rahe saath mein, ya kitne events ko we are grouping together. To yahan pe class width is 10. Similarly, कोई मे बी अगर हम लोग को इतना भी डिटेल नहीं चाहिए तो वी कैन डू 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60. तो क्लास विथ क्या हो जाएगा, 20. यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस 10 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस 5. ओके, डिपेंडिंग ऑन आर पर्पस वी कैन डिसाइड कि हम लोग को कितना ग्रुप्स बनाना है या फिर हम लोग को कितना विथ का ग्रुप्स बनाना है. ओके, अब अगर पर्पस ये है कि हम लोग को छोटा से छोटा डेटा चाहिए, देन वी विल डिसाइड कि हम लोग कितना ग्रुप्स चाहिए हम लोग को, तो उसके अकॉर्डिंग वी डिसाइड द क्लास विड्थ. एंड अगर हम लोग को सपोज ये हम लोग का पर्पस में इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को चाहिए कि 10-10 के रेंज में कितना मार्क्स मिले, इफ दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आर स्टडी, देन फर्स्ट वी विल डिसाइड द क्लास विड्थ एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग के पास जितना डेटा पॉइंट्स होगा वी विल डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब कोई चैट बॉक्स में लिखो. एकदम सिंपल वर्ड्स में कोई लिख रहा है तो अपना हाथ उठाओ. हाथ इज राइटिंग. Parth has written, CF is the addition of the frequency table besides the frequency table. ठीक है, मतलब you mean कि अगर यहाँ पे suppose frequency 1 है, 52, 59 का से 2 है, तो यहाँ पे cumulative frequency कितना होगा? यहाँ पे 3 होगा.
यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 3 होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग अप द फ्रीक्वेंसीज जो इसके जस्ट साइड में एंड इसके पहले, करेक्ट। तो क्यूमुलेट कर हम लोग, तो यहाँ पे सपोज 40 to 49 है एंड 50 to 59 है, यहाँ पे 1 क्या डिनोट कर रहा है, लेट्स से एक्स इज एज एट डेथ, हम लोग सिंस एक्चुअलीज कर रहे हैं, वी विल बी डीलिंग विद मोर एग्जांपल्स जिसमें डेथ एंड पॉलिसीज और ये सब में हम लोग डील करें, तो एज एट डेथ है सपोज एक्स, तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना पीपल का एज व्हेन दे आर डाइंग इज बिटवीन 40 to 49, हाउ मेनी सच पीपल 1, देन वी आर सीइंग 50 to 59 के बीच में कितने पीपल आर डाइंग, 2 पीपल आर डाइंग बिटवीन एजेस 50 to 59, तो यहाँ पे ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, दिस 3 इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 59, मतलब कि 40 से लेके 59 के बीच में 3 पीपल आर डाइंग। सिमिलरली अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करें 60 to 69, 70 to 79, बहुत इजी है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के बोलो मेरे को। नेक्स्ट बोलो, लिस्ट बना के सबका। ये चीज हमेशा याद रखना, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, कि जो फ्रीक्वेंसी टेबल का टोटल होगा वो हम लोग का लास्ट डेटा वैल्यू जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा दैट शुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 40 to 49 के बीच में कितने लोग मेरे, 50 to 59, सो ऑन 100 to 109 तक। ये जो 30 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, व्हाट इज दिस डिनोटिंग, दिस इज डिनोटिंग कि अप टू 109 एज हाउ मेनी पीपल हैव डाइड, करेक्ट। तो अप टू 109 तो ऑल हैव डाइड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसिडर ही सिर्फ उन्हीं लोग को कर रहे हैं जिन लोग का एज और डेथ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, करेक्ट। तो जिन लोग मर गए हैं उन्हीं लोग का हम लोग एज देख रहे हैं, तो अप टू 109, सिंस 109 हम लोग का लास्ट एज है व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग एनी डेथ, तो 109 तक ऑल 30 हैव टू डाई, देयर कैन नॉट बी एनीवन जो 110 पे मर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का लास्ट वैल्यू ऑब्जर्व्ड ही 109 है, हो सकता है वो 108 या 107 भी हो, लेकिन जो क्लास है दैट इज 100 to 109, इसीलिए द समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू द लास्ट वैल्यू ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, ओके। तो ये सब तो हो गया, All this was just a very quick revision, जो हम लोग पहले किया। अब देखो, this was कि हम लोग table form में data को present कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग data interpretation में देखते हैं कि data table के अलावा we can also represent data in the form of different charts and diagrams। तो सबसे पहले let us do bar chart।
ये चीज हमेशा याद रखना, बार चार्ट इज फॉर डिस्क्रीट डेटा एंड हिस्टोग्राम्स आर फॉर कंटिन्यूअस डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा में क्या डिफरेंस होता है? डिस्क्रीट डेटा इज समथिंग जो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। मतलब कि सपोज एज है, एज डिस्क्रीट कब होगा? अगर हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 पे, 2 पे, 3 पे, या 1, 1.5, 2, 2.5, लेकिन वो कंटिन्यूअस कब हो जाएगा? जब हम लोग एवरी डे या एवरी मंथ अगर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देर इज अ वेरी अ टू फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। क्योंकि अगर आप लोग 1 से जनरली लोग 80 to 85 तक रहते हैं, तो अगर आप 1 to 85, इफ यू टेक एवरी सिंगल डे या एवरी सिंगल मंथ, तो हम लोग के पास बहुत सारा डेटा पॉइंट्स हो जाएगा। तो इतना सारा डेटा पॉइंट्स को जब हम लोग साथ में स्टडी करेंगे, तो इट विल बिकम अ कंटिन्यूअस थिंग, करेक्ट? लेकिन अगर आप डिस्क्रीट देखें, फॉर एग्जांपल आप ईयर देखें या एवरी हाफ ईयर देखें, देन इट विल बी अ डिस्क्रीट थिंग। ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा। तो बार चार्ट इज ऑलवेज फॉर डिस्क्रीट डेटा, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा में देर आर गैप्स, एंड बार चार्ट में भी हमेशा देर विल बी गैप्स। ओके, अब बार चार्ट में क्या होते हैं? बार चार्ट में ऐसे, इट इज कॉल्ड अ बार चार्ट बिकॉज ऑफ दीज बार्स। एक्स एक्सिस पे वी टेक अ वेरिएबल एंड वाई एक्सिस पे वी टेक अनदर वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे अगर एक इंश्योरेंस कंपनी का देखें, तो इंश्योरेंस कंपनी में लेट्स से द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स 4 काइंड ऑफ क्लेम्स। एक है हाउस, मतलब 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी जो ये 4 टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसीज देते हैं अपने कस्टमर्स को। तो हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये जो अलग अलग टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये डिस्क्रीट डेटा है, देर इज नो कंटिन्यूटी इन देम, करेक्ट? तो इसीलिए हम लोग हर टाइप के पॉलिसी के लिए एक बार ले सकते हैं। तो एक्स विल डिनोट टाइप ऑफ पॉलिसी, एक्स बार पे हम लोग ले रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिसी, एंड वाई बार पे लेट्स से वी आर टेकिंग नंबर ऑफ क्लेम्स। नंबर ऑफ क्लेम्स वाई बार पे, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? लेट्स से दिस इज हाउस इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। तो वी कैन सी कि ट्रैवल इंश्योरेंस का सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लेम्स है। अब ये जो वाई है, जो नंबर ऑफ क्लेम्स है, इसको हम लोग स्टेटिस्टिक्स के टर्म्स में क्या बोलेंगे? अभी हम लोग ऊपर जो किए हैं, अगर हम लोग टेबल बना रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ क्लेम्स वाले कॉलम को हम लोग स्टेटिस्टिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस क्लेम, हाउस इंश्योरेंस का क्लेम्स? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर इंश्योरेंस का क्लेम्स? ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लेम जो वाई एक्सिस पे हम लोग देखते हैं, दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हुआ बार चार्ट। अब हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के दिखने में क्या डिफरेंस होगा, कौन बोलेगा? जस्ट विजुअली क्या डिफरेंस होगा फ्रॉम अ बार चार्ट? ये तो हम लोग डिस्कस कर ली, दैट हिस्टोग्राम इज फॉर कंटिन्यूअस डेटा। नो गैप्स इन बिटवीन, वेरी गुड। क्योंकि इट्स कंटिन्यूअस, तो इसीलिए हम लोग ऐसा टाइप का कोई डेटा को कंसिडर ही नहीं कर सकते हिस्टोग्राम के लिए जिसमें टाइप ऑफ समथिंग हो। क्योंकि टाइप ऑफ क्लेम्स में या टाइप ऑफ से टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स में या कौन सा सब्जेक्ट, ये सब में कभी कंटिन्यूटी नहीं आ सकते। कंटिन्यूटी क्या चीज में आ सकते हैं?
लेट्स से क्लेम अमाउंट में, अगर हम लोग क्लेम अमाउंट देख रहे हैं तो क्लेम अमाउंट कैन रेंज फ्रॉम जितना भी हम लोग का मिनिमम क्लेम अमाउंट है उससे रेंज करके मैक्सिमम क्लेम अमाउंट तक वो कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी इन डेसिमल्स आल्सो, करेक्ट। तो क्लेम अमाउंट के लिए अगर हम लोग हिस्टोग्राम बनाएं तो हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, क्लेम अमाउंट, एंड वाई एक्सिस पे वी विल टेक द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लेम अमाउंट में क्या होगा, लेट्स से हम लोग अब क्लेम अमाउंट को हो गया, इट इज कंटिन्यूअस वी नो, बट सिंस कंटिन्यूअस है तो बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इट विल डेफिनेटली बी अ लाइन ग्राफ। लेकिन अगर हम लोग उसको एक हिस्टोग्राम के फॉर्म में करें तो एक हिस्टोग्राम में वी विल हैव टू डिवाइड इट इन टू ग्रुप्स या इन टू क्लासेस, ताकि हम लोग का ये जो बार है, जो कंटिन्यूस बार हम लोग का बनेगा, उसके लिए हम लोग को टू डिसाइड कि ये वाला जो लाइन है वेयर टू ड्रॉ दिस लाइन दैट वी हैव टू डिसाइड। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, बाय डिवाइडिंग द एंटायर डेटा इनटू स्मॉल ग्रुप्स। तो लेट्स से हम लोग थाउजेंड्स में डिवाइड करें कि 0 to 1000 के बीच में कितना क्लेम्स है, इतना क्लेम्स है, 1000 to 2000 के बीच में इतना क्लेम्स है, मतलब इतना फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। सिमिलरली 2000 to 3000 ऐसे बन गया था। तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को कि मैक्सिमम क्लेम्स लाई बिटवीन 1000 to 2000, है ना, क्योंकि हम लोग का 1000 to 2000 के बीच वाला जो बार है दैट इज द हाईएस्ट, उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, एंड सबसे कम ये लास्ट बार है। तो इसीलिए naturally ऐसे बहुत कम क्लेम्स होंगे जो इतने हाई वैल्यू के होंगे, there will be more claims जो towards the middle हो या थोड़े कम की तरफ ही हो, इतना हाई वैल्यू होना क्लेम का is very unlikely। अब देखो हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये तो हम लोग को पता है कि y axis पे we are measuring the frequency, लेकिन if we want to find out the total claim amount represented, तो जैसे क्या हुआ, क्लियर डायग्राम बनाते हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम विथ मी, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें हम लोग को डायग्राम को चेंज करना है, मतलब इसके ऊपर बेस्ड।
लेट मी नो जब सबका एक बार ये कॉपी हो जाए तो। पास अपने घर के वॉल के लिए पेंटिंग बनाना, इतना भी एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है, बस एक रफली समझ में आए कि कौन सा लेवल पे क्या है। हो गया? चलो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, सबसे ज्यादा क्लेम्स कौन से रेंज में है। और सबसे कम क्लेम्स सबसे कम क्लेम अमाउंट वाला रेंज कौन सा है? 3,000 to 4,000। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ये तो हिस्टोग्राम बन गया, इससे हम लोग इस हिस्टोग्राम को देख के हम लोग एक डेटा टेबल भी बना सकते हैं कि 0 to 500 के बीच में 6 claims, 500 to 1,000 के बीच में 10 claims, 1,000 to 1,500 9 claims, ऐसे करके टेबल बन जाएगा, ठीक है। बट ये हिस्टोग्राम में फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्लास विथ को चेंज करना चाहे, यहाँ पे तो इवन क्लास विथ है, हम लोग का जितना भी क्लासेस है, कितना क्लासेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लासेस हम लोग के पास, सारे 8 क्लासेस का जो विथ है सबका विथ 500 है, करेक्ट। बट हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस एक इंश्योरेंस कंपनी चाहेगा कि उसके पास जितना कंसाइज डेटा हो पाए उतना ज्यादा अच्छे, तो इट विल सी कि सिंस ये 2,000 से लेके 4,000 के बीच में टोटल में हम लोग के पास खाली 3 + 2 = 5 + 2 = 7 क्लेम्स है, करेक्ट। बिटवीन द रेंज ऑफ 2,000 to 4,000 वी जस्ट हैव 7 क्लेम्स, जबकि जो बाकी ग्रुप्स है उनमें अकेले अकेले 500 के डिफरेंस में 10 क्लेम्स है, 6 क्लेम्स है, 8 क्लेम्स है, करेक्ट। तो व्हाई विल इट वांट टू सी 2,000 to 4,000 के बीच में 500 के गैप में व्हाई विल इट वांट टू सी कि कितना क्लेम्स आ रहा है,
दे कैन जस्ट ग्रुप ऑल ऑफ देम इनटू वन, कि हम लोग एक कैटेगरी इसका ही बना देते कि 2000 टू 4000 के बीच में कितना क्लेम्स आते, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का क्लास वेट चेंज हो गया, करेक्ट? क्लास वेट जो हम लोग का 500 था वो 2000 तक तो 500 है, और उसके बाद एक क्लास है जिसका विथ विल बी 2000, तो हिस्टोग्राम कैसे चेंज होगा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाउ विल द हिस्टोग्राम चेंज अगर हम लोग का क्लासेस ऐसे बन जाए. कोई चेंज आएगा हिस्टोग्राम में? कोई तो बोलो, बस इतना बोलो कि हिस्टोग्राम चेंज होगा कि सेम ही दिखेगा हम लोग का हिस्टोग्राम. कैसे चेंज होगा पार्थ? निखिल भूमिका एटलीस्ट अपना कैमरा तो ऑन कर लो, एज इट इज आई कैन नॉट हियर यू ऑल टुडे, तो एटलीस्ट इफ आई सी देन आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. थैंक यू भूमिका. निखिल आप भी ऑन करो थोड़ा देर के लिए, बस ज्यादा लंबा क्लास नहीं है आज. तो देखो 2000 टू 4000 के बीच में कैसे चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 2000 टू 4000 वाले क्लास का? 7. इसके पहले 2000 तक तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, यहाँ तक भी नो कि देयर विल बी नो चेंज. यहाँ पे यहाँ पे जो है ये 3000 हट जाएगा, और 2000 टू 4000 के बीच में ये 7 के ऊपर से एक तो लाइन आएगा जो 4000, क्यों? क्योंकि ये पूरा बार 8 क्यों हो जाएगा निखिल? नहीं, 7 ही तो रहेगा ना, 2000 टू, एक बार अपने डायग्राम में देखो, उसमें पहले में देयर वाज 2000 टू 2500 में देयर वर 3 क्लेम्स, फिर 25 टू 3000 में 2 क्लेम्स, तो 5 हुआ, और 3000 टू 3500 एंड 3500 टू 4000, आई थिंक तुम डायग्राम बनाते टाइम आई थिंक एक जगह कहीं पे मिसमैच हो गया होगा, 2 एंड 3 के बीच में यू डिडंट रियलाइज कि वो बीच से है, ठीक है? इट विल एड अप टू, अच्छा यू थॉट इट वाज 4, नहीं वो जो था जो 2000 टू 2500 वाला था ना, 2000 टू 2500 में 3 था, ठीक है? तो उसको ठीक कर दो अपने ऊपर वाले डायग्राम में, दैट वाज 3, तो इसलिए इट विल एड अप टू 7. तो ये वाला जो क्लास है इसका फ्रीक्वेंसी 7 है, करेक्ट? दिस इज मेकिंग सेंस, क्योंकि क्या होते हैं हर बार का जो विथ होते हैं या जो ब्रेथ होते हैं दैट इज द क्लास विथ, एंड जो हाइट होते हैं दैट इज द फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? लेकिन अब कोई भी अगर आपको ये हिस्टोग्राम प्रेजेंट करेगा और पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्लेम्स कौन से क्लास में, तो 2000 टू 4000 का साइज देख के बहुत ज्यादा कॉमन होगा कि पीपल विल से कि 2000 टू 4000 के बीच में सबसे ज्यादा क्लेम्स आते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू. वी नो कि 500 टू 1000 के बीच में सबसे ज्यादा क्लेम्स आ रहे हैं, बट दिस साइज ये जो इतना बड़ा है इसके कारण लगेगा कि सबसे ज्यादा क्लेम्स 2000 टू 4000 के बीच में. तो टू कम ओवर दिस प्रॉब्लम वी इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज द डेंसिटी. डेंसिटी is nothing but
इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप लोग फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी के बीच में डिफरेंस समझो। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी शो, फ्रीक्वेंसी टेल्स अस कि कितना फ्रीक्वेंटली वो इवेंट हो रहा है, करेक्ट? व्हाट डज डेंसिटी टेल्स अस? टेल अस, डेंसिटी टेल्स अस कि जितना भी इवेंट्स हो रहा है उसमें से कितना प्रपोर्शन ऑफ द इवेंट हो रहा है। मतलब कि सपोज यहाँ पे हम लोग के पास सेम, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि इवेंट्स क्या क्या है, कि 0 to 500 के बीच में, 500 to 1000 के बीच में, ये सब हम लोग का इवेंट्स है। फ्रीक्वेंसी बोले कि 0 to 500 के बीच में 6 क्लेम्स आया, लेकिन डेंसिटी क्या बोलेगा? आउट ऑफ ऑल द क्लेम्स 0 to 500 के बीच में सिर्फ 0.012 आउट ऑफ ऑल क्लेम्स वर बिटवीन 0 to 500। मतलब अगर हम लोग पूरे को 1 कंसिडर करें तो ओनली 0.012, विच इज अगर हम लोग परसेंट में देखें तो कितना परसेंट होगा? मेरे को बोलो ये डायग्राम देख के कि 500 to 1000 के बीच में, लेट्स से 500 to 1000 के बीच में कितना परसेंट क्लेम्स था? डायग्राम में कैलकुलेट करके बोलो। फ्रीक्वेंसी है तुम लोग के पास सारा, एक आर द सेम 2%? क्यों? हाउ डिड यू गेट दिस 2%? अच्छा, तो यू वर सेइंग डेंसिटी विल बी 2%, मतलब 0.02 का डेंसिटी होगा, राइट? डेंसिटी 0.02 होगा, बट परसेंट विल बी 25%। 25% ऑफ द क्लेम्स वर लाइंग इन द रेंज ऑफ 500 to 1000, करेक्ट? अब देखो डेंसिटी में क्या होगा, मेरे को एक बार सारा का डेंसिटी बताओ। आई वांट सारा क्लासेस का, कंसिडरिंग 2000 to 4000 एक क्लास है, आई वांट यू ऑल टू टेल मी कि सबका डेंसिटी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एक बार सारा क्लासेस का कैलकुलेट करो।
ठीक है, वेरी गुड। तो ये डेंसिटी हम लोग का, तो अगर यहाँ पे देखो ये जो बड़ा वाला एरिया आ रहा था, हम लोग को प्रॉब्लम तो यही हो रहा था ना कि देखने से जो एरिया है वो देखने से वी माइट थिंक कि सबसे ज्यादा क्लेम्स 2000 to 4000 की रीजन में। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे कि सिंस हम लोग का क्लास विड्थ 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो जो हम लोग का हाइट है उसको हम लोग 4 टाइम्स कम कर दें, ताकि जो एरिया है वो एरिया हम लोग का कम रहे, करेक्ट? अगर क्योंकि तो एरिया अगर हम लोग कम करते तो यहाँ पे 7 है, तो 1.75 होना चाहिए था, करेक्ट? या 1.75 पे हम लोग को लाइन बनाना होता ना, अगर हम लोग 4 टाइम्स से, सिंस वी आर मल्टीप्लाइंग द क्लास विथ बाय अ फैक्टर ऑफ 4, तो हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी है उसको बाय अ फैक्टर ऑफ 4 हम लोग अगर कम करते देन अ डायग्राम ऑफ रीजनेबल, ओके? लेकिन अगर हम लोग ये डायग्राम को ऐसे बनाते, मतलब कि हम लोग ये वाले चीज को अगर हटा देते, ऐसे बनाते तो दिखने में तो हम लोग का डायग्राम ठीक लगता, लेकिन क्या ये मैथमेटिकली या स्टेटिस्टिकली हम लोग के डेटा के साथ अध्ययन कर रहे हैं? क्योंकि इन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि 2000 to 4000 के बीच में से 1.75 क्लेम्स है ना? That is what this diagram is showing. अगर कोई डायग्राम में पूछे 2000 to 4000 के बीच में कितना क्लेम्स है, यू विल सी द एक्स एक्स, सॉरी एनी वन विल सी द वाई एक्सिस एंड सी कि 1.75 क्लेम्स है बिटवीन 2000 to 4000, तो ये भी गलत है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी रिप्लेस फ्रीक्वेंसी विथ डेंसिटी, ताकि हम लोग का डायग्राम दिखने में भी करेक्ट हो, दिखने में भी हम लोग उसको इजीली इंटरप्रेट कर पाए एंड वो डेटा को अध्ययन भी करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी एक चीज तो है नहीं, तो वाई एक्सिस पे हम लोग को अपना वैल्यूज चेंज करना है ना, करेक्ट? वाई एक्सिस पे वी हैव टू चेंज आवर वैल्यूज, क्या हो जाएगा वैल्यूज? सबसे ज्यादा डेंसिटी हम लोग का 0.02 है, हाईएस्ट डेंसिटी जो 500 to 1000 है। तो हम लोग अगर इसी डिफरेंस करें, अगर हम लोग 0.016 कॉपी करो डायग्राम एक बार,
हो गया सबका कॉपी। अभी डायग्राम देखते हैं, मेरे को बताओ कि अगर आप लोग को ऐसा हिस्टोग्राम देते हैं कि वाई एक्सिस पे डेंसिटी है एंड एक्स एक्सिस पे तो सेम नहीं है, एक्स एक्सिस पे तो कोई चेंज नहीं है, तो हाउ विल यू अराइव एट द फ्रीक्वेंसी? ठीक है, तो क्लास विथ इज दिस इनटू डेंसिटी, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एक हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पे कैसे पहुंचते हैं? फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं बाय द एरिया ऑफ द बार। द एरिया ऑफ द बार रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, करेक्ट? मेक सेंस? अब यूज क्या है ये डेंसिटी? इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्रीक्वेंसी, व्हाई वुड वी यूज द डेंसिटी एंड कॉम्प्लिकेट थिंग्स? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि वो जो वाई एक्सिस है उसको स्केल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोग के पास बहुत सिंपल डेटा था, तो वी कुड इजिली डिवाइड इट, क्योंकि सिंस हम लोग का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वॉज 10, तो इसलिए हम लोग उसको 2 2 में डिवाइड करके बना पाए। लेकिन ऐसा बहुत बार होगा कि हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी कैन गो अप टू 1000 10000। जब हम लोग इतने ह्यूज पॉपुलेशन के साथ स्टडी करेंगे, जब इतने ह्यूज सैंपल को लेके अगर हम लोग स्टडी करेंगे, देन आ फ्रीक्वेंसी कैन गो अप टू ह्यूज नंबर्स। बट यहाँ पे क्या हुआ, वंस वी टुक द डेंसिटी, हम लोग का सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। द ओनली डिफरेंस इज कि हम लोग का जो वाई एक्सिस है दैट इज बीइंग स्केल्ड डाउन। यहाँ पे जहाँ पे 10 था हाईएस्ट, अब वहां पे सिर्फ 0.02 है, लेकिन जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी भी उतना ही क्लियर है। अगर इसके ऊपर से हम लोग एक ग्राफ बनाए, जस्ट रफली, अगर ये तो गलत हो गया थोड़ा सा, अगर एक ऐसे ग्राफ बनाए तो इससे हम लोग को बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सा एरिया कितना डेंस है। हम लोग को पता चल रहा है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लेम्स आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम क्लेम्स आर फ्रॉम दिस क्लेम अमाउंट रीजन। यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि सबसे कम क्लेम्स इस अमाउंट रीजन में, ये हम लोग को समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हिस्टोग्राम्स मोस्ट ऑफन हिस्टोग्राम्स आर मेड यूजिंग डेंसिटीज इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम में की क्या यूज आएगा? अगर हिस्टोग्राम रीड करने बोल दिया तब तो है यूज, हो सकते हैं दे गिव यू एन एमसीक्यू, नॉर्मल सा एमसीक्यू, एंड उसमें इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी दे राइट द डेंसिटी, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू सी कि डेंसिटी दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एंड यू हैव टू वर्क विद फ्रीक्वेंसी, देन तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर डेंसिटी दिया हुआ है देन फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू फ्रीक्वेंसी एंड देन उसको यूज करो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो काउंट देगा आपको कि कितनी बार हुआ है, लेकिन डेंसिटी तो ऐसा कोई आपको डेटा नहीं देता अबाउट योर इंटायर स्टडी। डेंसिटी इज जस्ट शोइंग सॉर्ट ऑफ अ प्रपोर्शन विच इज ऑफ नो यूज, एंड वेन यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यूज, फॉर फाइंडिंग आउट वैल्यूज यू विल नीड द फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए यू मेक श्योर कि आप लोग डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में डिस्टिंग्विश करो एंड अकॉर्डिंगली जहाँ पे जो चाहिए वो यूज करो। ओके, अब हिस्टोग्राम तो हम स्कूल में बनाते थे कि ठीक है इतना कम समय ऐसे इतना सारा लाइंस बनाओ, स्केल लेके सब कुछ करो, यू हैव टू मेजर सो मच कि ग्राफ में कितना यूनिट्स लेना है। टू सिंप्लीफाई थिंग्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट। टू सिंप्लीफाई थिंग्स वी केम अप
दिस इज समथिंग आई थिंक जो आज तक कोई नहीं सुना है। कौन यहाँ पे जानते कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या होता है? Has anyone ever heard of a stem and leaf diagram? No? तो देखो, देखो अब सपोज हमारे पास एक डेटा है, हिस्टोग्राम क्या दिखाते हैं? हिस्टोग्राम अगर हम लोग मार्क्स का हिस्टोग्राम बनाए, से मार्क्स का हिस्टोग्राम बनाए, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? 0 to 10 के बीच में इतना बड़ा बार, 10 to 20 के बीच में इतना फ्रीक्वेंसी तो इतना बड़ा बार, ऐसे करके बनाएंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं ना, 0 to 10 के बीच में कितना इवेंट्स 0 to 10 के बीच में हो रहा है, कितना वैल्यूज है हम लोग के पास 0 to 10 के बीच में। तो ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है, 12 है, सपोज कोई एग्जाम है उसमें 0 to 30 के बीच में मार्क्स रेंज कर सकते हैं, और उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और उनको ये मार्क्स मिले। तो हिस्टोग्राम पे हम लोग बनाते हैं कि 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30, ऐसा टाइप का हिस्टोग्राम हम लोग बनाते हैं। हिस्टोग्राम्स विथ फ्रीक्वेंसीज के नॉट रिप्रेजेंट अनइक्वल क्लासेस, इट कैन। हम लोग जो पहले बनाए थे हिस्टोग्राम, जिसमें जो हम लोग का बड़ा सा एक रेक्टेंगल बन रहा था, जिसको हम लोग बोले थे कि देखने से दे विल बी लाइक इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेन्स है। यस इट इज एक्यूरेट, इट इज एक्यूरेट, बट इट इज विजुअली नॉट वेरी, मतलब विजुअली इट इज नॉट वेरी हेल्पफुल। विजुअली इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द करेक्ट थिंग, बट ऐसे इट इज एक्यूरेट, है ना? क्योंकि हम लोग डेटा को एकदम देख के ही बनाए थे, लेकिन क्योंकि वो विजुअली एक प्रॉब्लम दे रहा था, दैट इज वाई वी हैड टू शिफ्ट टू डेंसिटी। तो ऐसा नहीं है कि अनइक्वल क्लास होने से हिस्टोग्राम नहीं होगा, हो सकते हैं अनइक्वल अनइक्वल क्लास विथ होने से हो सकता है हिस्टोग्राम, बट वो विजुअली थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है फ्रॉम द करेक्ट आंसर्स। क्लियर है नितिन? ठीक है, तो कमिंग बैक टू स्टेम एंड लीफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 to 10 के बीच में है 9 7 6, फिर 10 to 20 के बीच में देयर इज 10 12 14 18 एंड 13, एंड देन 20 to 30 में देर इज दीज 4 नंबर्स, है ना? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सो मच काम नाम, हम लोग इस डेटा को ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, दे आर डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ स्टेम एंड अ लीफ। स्टेम क्या होगा? स्टेम इज सपोज से 0, अगर स्टेम 0 है और उसमें से 3 लीव्स निकल रहे हैं, एक 6 का, एक 7 का और एक 9 का, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 6 7 एंड 9,
ये जो 3 नंबर है, दिस इज लाइंग बिटवीन 0 to 10, विच मीन्स कि 3 वैल्यूज है 0 to 10 के बीच में। हम लोग का हिस्टोग्राम हम लोग को क्या दिखाता कि 3 वैल्यूज है 0 to 10 के बीच में। यहाँ पे फिर नेक्स्ट टेम इज 1, नेक्स्ट टेम 1 है और उसमें लीफ क्या क्या है, देर इज ये 0 का लीफ, 2 का लीफ, 3 का, 4 का एंड 8 का, विच मीन्स देर आर 5 वैल्यूज इन 10 to 20, लाइन बिटवीन 10 to 20। नेक्स्ट स्टेम हम लोग का 2 का, तो ये जो स्टेम है ये कौन से क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, 20 to 30 की क्लास को, एंड इसमें 4 वैल्यूज है। तो अगर अपने इनको एक बार का शेप दे दे रखी है, तो क्या ये हिस्टोग्राम जैसा बन गया? तो इजन दिस अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द हिस्टोग्राम, कि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग एंड मेजरिंग हम लोग सिंपली डेटा को ऐसे बिन्स में डाल दे रहे हैं, कि हम लोग स्टेम्स ले रहे हैं एंड देन वी आर जस्ट जॉटिंग डाउन द डेटा इन दिस फॉर्म। सो देर इज नो झंझट ऑफ मेकिंग लाइंस एंड मेजरिंग कि कितना होगा, या डेंसिटी मेजर करना, नथिंग इज रिक्वायर्ड। सीधा हम लोग स्टेम ले रहे हैं एंड उसके आगे वी आर जस्ट एडिंग नंबर्स। अब अगर सपोज यहाँ पे 14 की जगह अगर यहाँ पे 12 होता, तो यहाँ पे वी वुड हैव टू एड, इंस्टेड ऑफ दिस इसको हम लोग ऐसे लिखते, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते, क्योंकि इवन तो 12 दो बार आ रहे हैं, वी विल हैव टू राइट इट ट्वाइस, क्योंकि अगर हम लोग उसको दो बार नहीं लिखेंगे तो हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी का जो बार है वो यहाँ पे कट जाएगा, विच इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर डेटा। तो इसीलिए इवन इफ वैल्यूज आर बीइंग रिपीटेड, स्टेम एंड लीफ में यू हैव टू रिपीट दोज वैल्यूज। अब देखो स्टेम एंड लीफ में क्या चीज दिमाग में रखनी पड़ती है, चॉइस ऑफ स्टेम। यहाँ पे हम लोग ऐसे स्टेम दिए, अगर हम लोग का डेटा होता से सबसे पहले आप लोग इसको कॉपी करो एंड डोंट फॉरगेट टू कॉपी द की, की इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया सबका कॉपी?
सबका कॉपी होने से बोलना, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। चलो अब अगर सपोज एक डेटा होता हम लोग के पास, ऐसा डेटा होता, और अगर हम लोग ऐसा स्टेम बनाते तो हम लोग क्या होता, 1 to 5% बनाते और 1 to 6% बनाते, और फिर 6.2। ऐसे करके लिखते, लेकिन वुड इट मेक सेंस कि हम लोग ऐसा एक छोटा डायग्राम बना रहे हैं जिसमें सिर्फ दो ही छोटा टाइप का है, क्योंकि क्या होता, मतलब हार्डली एनी इंफॉर्मेशन वी वुड गेट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, क्योंकि सिर्फ हम लोग के पास 2 ही क्लासेस रहता। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एंड सिंस हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि जो डिफरेंस हो रहा है दैट इज ऑल्सो इन अ डेसिमल, मतलब डेसिमल का भी डिफरेंसेस है वैल्यूज में, तो हम लोग इंस्टेड ऑफ चूजिंग सच अ स्टेम वी वुड चूज ऐसा स्टेम चूज करना मेक्स मोर सेंस, क्योंकि फिर हम लोग का जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग को बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 लिखते हैं, 59 के आगे 4, 61, 68, 62, 63 एंड 64। तो हम लोग का की क्या बोलता, 63.9 रेप्रेजेंट 63.9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये स्टेम चेंज हो गया कि हम लोग स्टेम कैसे चूज कर रहे हैं। तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो स्टेम होगा वो एक सिंगल नंबर ही होना चाहिए, या इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि स्टेम के बाद जो लीव्स है वो लीव्स हो सकते हैं डेसिमल के बाद भी हो, डेसिमल के पहले भी हो। जैसे यहाँ पे इट वॉज नॉट अ डेसिमल, दिस डिड नॉट रिप्रेजेंट 1.0, इट रिप्रेजेंटेड 10। यहाँ पे लेकिन दिस डज नॉट रिप्रेजेंट 610, इट रिप्रेजेंट 61.0, ठीक है। तो इसीलिए द की इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग को की से पता चलता है कि एग्जैक्टली हम लोग का स्टेम और लीफ के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। स्टेम एंड लीफ क्लियर हुआ सबको, अगर कोई भी स्टेम एंड लीफ डायग्राम दिया जाएगा तो यू कैन इजीली रीड द स्टेम एंड लीफ डायग्राम विद द हेल्प ऑफ द की, एंड यू कैन डिसाइड कि क्या फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। जैसे सिंस हम आई जस्ट टेकन अ पार्ट ऑफ एन एग्जांपल, इसीलिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम का फ्रीक्वेंसी इज 1, एंड खाली 61 to 62, दिस रिप्रेजेंट 61 to 62 वाला क्लास, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास कैसे डिवाइड करें। यहाँ पे 57 58 आता है, लेकिन उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं था इसलिए आई डेंट ट्राई इट, लेकिन यहाँ क्या है 59 to 60, 60 to 61, 62 to 63, ऐसे करके है क्लासेस को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे वी कैन इजीली फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसीज आल्सो फॉर ईच क्लास, ओके। एंड यहाँ पे ऑनेस्टली अनइक्वल क्लास का भी झमेला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इवन इफ आई स्किप 57 58, डज इट मेक अ डिफरेंस, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि मेरे को फिर पता है कि 56 to 59 अगर हम लोग क्लास हैं तो 57 58 में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसीलिए वी आर जस्ट टेकिंग 56 and 59, ओके। एक बार इसको भी जल्दी से कॉपी कर लो, फिर बस एक दो लास्ट चीज बचेगा, विल क्विकली डू दैट।
एक स्टेम एंड लीफ डायग्राम इफ यू आर सीइंग, तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम से यू कैन एक्सट्रैक्ट द एग्जैक्ट डेटा व्हिच इज अवेलेबल. क्योंकि डेटा क्या होते हैं, ये हम लोग का डेटा है कि एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है. बहुत बार होते हैं कि द ऑब्जर्वेशन डज नॉट मैटर टू अस, बस उसका जो पोजिशन है वो मैटर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बस ये मैटर करेगा कि 56 से 59 के बीच में कितना ऑब्जर्वेशन है. वी जस्ट केयर अबाउट दैट, वी डोंट केयर कि उस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है. मतलब वी जस्ट केयर अबाउट द नंबर 1, कि फ्रीक्वेंसी 1 है, हम लोग को सिर्फ उससे मतलब है वो फ्रीक्वेंसी, वो जो ऑब्जर्वेशन है उसका वैल्यू क्या है, विच इज 56.2, उससे हम लोग को मतलब नहीं है. तो हम लोग इतना जनरेट भी क्यों करें ऑफ सीइंग कि कौन सा नंबर है एंड उसको देख के नोट डाउन करना. तो अगर हम लोग को उसका जरूरत नहीं है देन वी विल यूज अ डॉट प्लॉट और अ लाइन प्लॉट. अब डॉट प्लॉट और लाइन प्लॉट क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्टेम था वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग वही लेते हैं, से 56, 59 बीच का भी ले लेते हैं. ये हम लोग स्टेम को ऐसे ले आए यहाँ पे. अब डॉट प्लॉट या लाइन प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, सिंस वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वी विल जस्ट ड्रॉ डॉट्स. तो अगर हम लोग देख रहे हैं 56.2, ये 56 to 57 के बीच में लाया करेगा, तो हम लोग बस यहाँ पे एक डॉट बना दिए. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वी सी 61.0, तो बस 61 के ऊपर एक डॉट बना दिया. 62.8, 63.9, 64.5, 61.8, 59.4. तो हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था कि एक वैल्यू है और उस वैल्यू और उसका क्या मतलब ऑब्जर्वेशन है. यहाँ पे हम लोग को बस पता है कि एक वैल्यू है, क्योंकि हम लोग को काम ही नहीं है कि 56.2 है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है. वी जस्ट वॉन्ट टू नो कि 56 टू 57 के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे और भी कम काम है. हिस्टोग्राम से स्टेम एंड लीफ में थोड़ा कम हुआ हम लोग का एफर्ट्स, डॉट प्लॉट एंड लाइन प्लॉट में उससे भी कम एफर्ट्स लगेगा. बट वही है कि इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वॉट पर्पज यू आर डूइंग इट फॉर. आपका पर्पस, अगर आपको वैल्यू को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते तो यू यूज अ डॉट प्लॉट बिकॉज इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट. ठीक है, और जैसे यहाँ पे टू ऑब्जर्वेशन था इसीलिए एक के ऊपर एक डॉट देंगे, इसलिए इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ लाइन प्लॉट बिकॉज जितना लंबा लाइन बनेगा वो डॉट्स का उतना हायर फ्रीक्वेंसी होगा. करेक्ट, तो द डॉट्स रिप्रेजेंट बेसिकली द लाइन मेड बाय द डॉट्स, दे रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी. एवरी डॉट रिप्रेजेंट्स वन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डॉट प्लॉट या लाइन प्लॉट. समझ में आया क्या होता है डॉट प्लॉट लाइन प्लॉट? कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, वेरी इजी कॉन्सेप्ट. कॉपी कर लो बस इसको एक बार, सेम ही डेटा का डॉट प्लॉट ऐसा दिखेगा. अब यहाँ पे भी वही चीज है कि जैसे स्टेम में हम लोग को चूज करना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेम वी वांट, यहाँ पे भी हम लोग को डिसाइड करना होगा कि लाइन के नीचे में हम लोग को वैल्यूज कैसे लेना है डिपेंडिंग ऑन क्या डेटा है.
नहीं, वो रेक्टेंगल्स बनाने का नहीं होते, जस्ट टू शो आई मेड द रेक्टेंगल्स। एक्चुअल में डॉट प्लॉट में या लाइन प्लॉट में और स्टेम एंड लीफ में रेक्टेंगल्स नहीं बनते, यू जस्ट हैव टू मेक द डॉट्स और द वैल्यूज बनता। हो गया सबका? किसी को कोई भी डाउट है? आज हमने जितना भी चीज किया, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल्स, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, डेंसिटी, स्टेम लीफ, डॉट प्लॉट, एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट या किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ या समथिंग, कोई भी क्वेश्चन अगर माइंड में आ रहा हो कि ये कैसे होता या ऐसे क्यों नहीं हो सकता? नथिंग, एवरीथिंग इज क्लियर। ये सिर्फ बहुत बेसिक है स्टेटिस्टिक्स का, कि दीज कॉन्सेप्ट्स, इफ यू आर स्टडिंग स्टेटिस्टिक्स देन यू शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू रीड दिस डायग्राम्स एंड कैसे बनता है ये सब। ठीक है, फिर हम लोग आज यही एंड करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।